अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे और आबाद भी होंगे। तो अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के बज रहे 9 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इसकी वजह से कोई भी शोरगुल नहीं है, बिल्कुल शांति शांति है। और बच्चे अगर घर पर होते हैं तो शोरगुल होती है तो अच्छा भी लगता है। और तो सबसे पहले करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। टाइम हो रहे हैं 9:30 का, 9:30 बज रहे हैं दिन के और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चे स्कूल जाने से पहले बहुत सारी काम हो जाती है, बच्चों को तैयार करना, उसको लंच बना कर देना, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में और रूम की कुछ क्लीनिंग वगैरह हो जाती है 10 बजे के करीब। तो चादर झाड़ करके सही से कर दूँगी और रूम में झाड़ू वगैरह लगा करके फ्रेश कर दूँगी रूम को। और जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरा गला कुछ ख़राब है, तबीयत सही नहीं है, आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा। और कपड़े भी बहुत है धोने के लिए, सारे बच्चे नहा करके जाते हैं तो ड्रेस हो जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म और घर के ड्रेस तो सभी का को भिगो करके रख दिए हैं। तो बिस्तर वगैरह करने के बाद अब मुझे जाना है कपड़ा धोने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए, और डेली का यही रूटीन होता है, स्कूल ओपन हो जाती है तब। और बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो कहीं भी शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल इत्मीनान इत्मीनान से लगता है। बहुत दिनों से आदत हो गया था घर पे रखने का बच्चों को, तो इसकी वजह से जी भी नहीं लगता है। तो हम मिलते हैं कपड़ा धो लेने के बाद आप सबसे। तो देखिए कपड़ा हमारी धुल गई है, धुलने के बाद चलते हैं ऊपर वाली छत पे, धूप में फैला देते हैं कपड़े को सूखने के लिए। तो धूप बहुत तेज़ है और हम छत पर कपड़ा लेकर के आ गए हुए हैं, तो हम कपड़ा को सूखने के लिए रख देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हम कपड़ा को सूखने के लिए रख दिए हैं और चलते हैं नीचे, गर्मी काफ़ी है और धूप भी बहुत तेज़ है, तो वहाँ पर कमरे में ले जाना संभव नहीं था, पता नहीं दिखता या नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिख रहा है कमरे में कुछ भी, इसकी वजह से नहीं वहाँ पर कमरा नहीं ले रही हूँ। और अब हम नीचे चलते हैं, हुई है और टाइम हो रहा है 11:30। अचानक से मछली वाला आ गया था दरवाजे पर पे, तो मछली खरीद लिया गया है और छोटी वाली मछली है, अभी मछली का सीज़न चल रहा है इसकी वजह से आसानी से मिल जाती है मछली। तो मछली को लकड़ी वाला राख जो होती है ना चूल्हे में खाना बनती है उसी से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सभी कोई मिल गए हैं बनाने के लिए, और दो जगह कर लिया गया है, कुछ बड़े वाले को अलग और ज़्यादा जो छोटे हैं उसे अलग कर लिया गया है। तो ये छोटी वाली मछली है, ये धुल गई है और बड़ी वाली धुल रही है अभी। तो चलिए हम इसमें मसाला मिला देते हैं, देखिए इसमें हम सारे मसाला को मिला लिए हैं, सिर्फ प्याज मिलाना बाकी है, प्याज मिलाएंगे कुछ देर के बाद। तो चलिए अभी हम चूल्हा जला लेते हैं। तो मछली बनाने के बाद चूल्हा और ये बरांडा की लिपाई हो गई है, तो कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इधर हम प्याज भी मिला लिए हैं। तो चलिए अब हम बघार लगा लेते हैं मछली में, दिखाते हैं किस तरह से बनती है।
और यहाँ पे तेल गर्म हो गई थी तो हम इसमें मेथी दाना डाल दिए हैं। और देखिए अब हम फिश को डाल देते हैं। और इधर ये वाली कढ़ाई बहुत मोटी तले की है, इसकी वजह से अभी गर्म नहीं हुई है। तो यही तरीका है हम लोग के मछली को पलटने का, छोटी वाली मछली को जो सारे मसाले को मिला करके बनाई जाती है, तो पैन में ही पलट दिया जाता है, पलट पलट कर करे तो उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो देखिए मछली का कलर कुछ इस तरह से निकल के आया है। अब इसमें मैं लगा दूंगी पानी। और दूसरे वाली कढ़ाई में अब डाल दूंगी। तो देखिए मैं कोशिश कर रही थी कि पलट जाए, बट नीचे चिपक गया हुआ है तो इसे छोलनी से पलट दी हूँ। तो देखिए मुझसे नहीं पलट रही है, इसे छोलनी के सहायता से फिर एक बार और पलटूंगी, उसके बाद लगा दूंगी इसमें पानी। जब मसाला बिल्कुल सूख जाती है, पानी सूख जाती है ना और तेल छोड़ने लगती है, उसके बाद पानी डाली जाती है। तो अब लगा दूंगी इसमें पानी। पानी लगने के बाद 20 मिनट तक इसे हमें इसी तरह से तेज़ आंच पर पकाऊंगी और उसके बाद आंच धीमी कर दूंगी और धीमे आंच पर कुछ देर तक के पकाई जाएगी। तो इसे इसी तरह हिला हिला करके मसाला और पानी को मिला जुला दिया जाता है। खुश्क वाली मछली बनानी है, ड्राई वाली। तो इसे हम ढक देंगे, जब पानी में बॉयल आ जाएगी उसके बाद हम ढक्कन हटा देंगे। तो देखिए और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम का क्या हाल चाल है। अचानक से मौसम करवट बदल दी और देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया हुआ है। ठंडी ठंडी सुहानी सुहानी हवा भी चल रही है और बढ़िया सा मौसम है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब देख लेते हैं मछली की हालत कैसी है। इसी तरह छोड़ देंगे हम, धीमी आंच पे पानी सूख जाएगी। तो ये फूल देखिए कितना खूबसूरत है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।